ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम है। सो ये सर्किट डायग्राम मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए, सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना है। सर्किट डायग्राम के लिए हम ये बोल सकते हैं, अगर आपके जो रेसिस्टर है वो सीरीज़ में रखे हो तो आपके पास क्या हो। तो रेसिस्टर आपने डायग्राम बनाया, उसमें सीरीज़ में रखे, सीरीज़ मतलब एक ही लाइन के अंदर आपको रेसिस्टर रखने हैं। सो R1, R2, R3 हमने एक ही लाइन में रेसिस्टर रखे, उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमने इसके साथ एक स्विच ज्वाइन किया है। आपको पता होगा ये क्या होता है, स्विच होता है। उसके बाद हमने इसके साथ एक बैटरी यूज़ की है। वी नो वेरी वेल वाई वी यूज़ अ बैटरी। बैटरी जो है वो आपकी सर्किट के अंदर क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो चार्जेस है वो बहुत जल्दी इजीली फ्लो होते हैं इसके अंदर। सो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच किया है, और अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आगे रेजिस्टेंस के साथ टच किया है। उसके बाद हमने ये सर्किट कंप्लीट बना दिया। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, आई होता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो हमने इधर से इसको फ्लो करवाया है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर होगी। आप जब भी ये सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इसमें सारी ही चीज़ें नोटिस की जाती है कि आपने रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में रखे हैं या नहीं। जब आपके पास सीरीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, तब आपको इसको सीरीज़ में ही रखना है। उसके बाद आपने अमीटर का पॉजिटिव आपने बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन किया है, अमीटर का नेगेटिव आपने बैटरी के नेगेटिव के साथ ज्वाइन किया। आपने एक स्विच रखा है, स्विच को आपने ऑन रखा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ओके, इस टाइप से आपने ये सारी चीज़ें रखनी है इसके अंदर। अब हमें पता है रेजिस्टर्स जो है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला पता है, रेजिस्टर का वी इज़ इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास। सो हम देखेंगे रेजिस्टर इन सीरीज, जब हमने लिखा ओल रेजिस्टर की वोल्टेज डिफरेंस होगी। देखिए वोल्टेज फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें, तो सभी रेजिस्टेंस अलग अलग अपनी वोल्टेज क्रिएट करेंगे, तो सभी की वोल्टेज डिफरेंट होगी। सो हमें फार्मूला पता है V इज़ इक्वल टू आई आर। जब मैं V फर्स्ट के लिए फाइंड करूँगी, V वन के लिए, सो V वन इज़ इक्वल टू आई आर वन, पहले रेजिस्टेंस भी अलग हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे V वन इज़ इक्वल टू आई आर वन। फिर सेकंड वाले के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो V टू इज़ इक्वल टू आई आर टू। थर्ड वाले के लिए V थ्री इज़ इक्वल टू आई आर थ्री। अब हमें पता है V इज़ इक्वल टू क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टोटल वोल्टेज आ जाएगा। टोटल जब आपने वोल्टेज निकालनी है तो V इज़ इक्वल टू V वन प्लस V टू प्लस V थ्री आ जाएगा। ये आपका क्या होता है, टोटल वोल्टेज होता है। तो V की वैल्यू आपको पता है स्टार्टिंग में आई आर थी, तो V की जगह आपको आई आर रखना है। V वन की जगह आई आर वन, V2 की जगह आई आर टू, V3 की जगह आई आर थ्री। उसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद हम सर्किट को ज्वाइन करते हैं। तो जब हम सर्किट को ज्वाइन करेंगे, देन आप देखिए, आपको पता है ना V इज़ इक्वल टू क्या है, V इज़ इक्वल टू है आपके पास आई आर। क्लियर। अब आपने क्या कहा, V1 की वैल्यू फाइंड कर ली। सो V1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई आर वन हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास V2। सो V2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका आई आर टू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास V3, तो V3 में क्या हो जाएगा, आई आर थ्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, उसके बाद हम हमें पता है टोटल वोल्टेज V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, ठीक है। अब हमें पता है V की वैल्यू क्या है हमारे पास, V की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये जो V है ये हमारे पास ऊपर से देखिए आई आर, तो V की जगह मैंने लिख दिया आई आर इज़ इक्वल टू V1 की जगह आई आर वन, फिर V2 की जगह आई आर टू, उसके बाद V3 की जगह आई आर थ्री, आर थ्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर फर्स्ट वाले में से हमारे पास क्या रहा है, आई हमारे पास आई आर वैसे का वैसा पड़ा है, इक्वल टू में हम क्या करते हैं, इसमें से इसमें से इसमें से तीनों में से आई बाहर निकाल लेते हैं। जब हमारे पास आई बाहर निकल चुका है तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये तीनों वैल्यू रहेगी ब्रैकेट में। अब आई से आई क्या हो गया, कट हो गया, देन आपके पास क्या रह गया, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये रह गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि रेसिस्टर जब आपके सीरीज में होते हैं तब आपको यही वैल्यू रखनी है इसके अंदर। रेसिस्टर सीरीज में होते हैं देन आपको कौन सी वैल्यू रखनी है,
R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये आपके रेजिस्टर इन सीरीज़ के अंदर वैल्यूज़ इस टाइप से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको यहाँ तक का जो मैटर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको जो सर्किट डायग्राम बनाना है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और इसमें आपको क्या करना है, सारे के सारे जो सीरीज़ में रखने हैं, ये वाला फर्स्ट भी सीरीज़ में होना चाहिए, आर टू भी सीरीज़ में, आर थ्री भी सीरीज़ में। सो इसमें आर इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आपके पास वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को लर्न रखना है आपको। जब भी आप सीरीज़ के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्लियर टू एवरीवन? इसी के साथ हमारा रेसिस्टर इन सीरीज़ सर्किट विद सर्किट डायग्राम ये टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ गुड डे स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।